इलाही माँ बहनों बेटियों को दीनदारी दे, इलाही माँ बहनों बेटियों को दीनदारी दे, इलाही इस नई नई पौध को फसले बहारी दे, बचा ले मोमिना को ऐ खुदा मगरिब परस्ती से, बचा ले मोमिना को ऐ खुदा मगरिब परस्ती। इसी तरह का बयान और हम्द व नात अगर आप सुनना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें। फिर हम मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। मदारिस के तलबा बड़ी मोहब्बत, यहाँ अमृत ये मदरसे की हकानियत है मुफ्ती सादुल नजीब साहब आपके हवाले से कि यहाँ अमृत निकलता है, कभी भी सम नहीं निकला। खुदा का शुक्र है रुसवाई का परचम नहीं निकला, और यजीदे वक्त के जासूसी कुत्ते हो गए नाकाम, मगर अब तक किसी भी मदरसे में बम नहीं निकला। यजीदे वक्त के जासूसी कुत्ते हो गए नाकाम, मगर अब तक किसी भी मदरसे में बम नहीं निकला। आइए बिना किसी ताखीर के हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब कासमी दामत बरकात तहमुलालिया को मैं दावत देने चला हूँ। बस इन चंद बातों के साथ आपसे गुजारिश है कि दिल जमाई के साथ तशरीफ रखें, चूँकि मुफ्ती सादुल नजीब साहब को सुन के जो लोग नहीं जाते और बाद में उनके कानों तक जब आवाज पहुंचती है तो वो अपने आप को कोसने पे मजबूर होते हैं, इसलिए वो दिन आपको देखने न पड़े, वो घड़ी आपके सामने न हो, इससे कबल कि आप तशरीफ रखें। बस मारूफ राही को थोड़ी देर के लिए और कबाब में हड्डी के तौर पे झेल लीजिए। एक बात मैं बताऊं आखिर में, भाई शमीम साहब, असरार साहब और जनाब शमशाद राही साहब ने जिन नामों को लिया है, ये कमेटी के जितने मेरे भाई हैं, मैं सभी को मुबारकबादी पेश करते हुए अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला दरगाह बस्ती में ये जो जलसा हो रहा है इस जलसे को कबूल करे और हम सब के लिए निजात का जरिया बनाए। कहे पूरा मजमा आमीन। अगर कुछ शेर हमसे सुनना चाहते हैं, नहीं जनाबे दिल खैराबादी को उसके बाद इंशाल्लाह आपके हुक्म की तामील की जाएगी। मुफ्ती सादुल नजीब साहब को सुनेंगे तो इंशाल्लाह भूल जाएंगे दिल खैराबादी को। इस वक्त मैं आपसे ये कह रहा हूँ, शेर सुनिए कि आंसुओं के सामने मुस्कान की औकात क्या, मसाला जब दिल कहो तो जान की औकात क्या। मियां मियां शेर सुनिए, एक उंगली के इशारे पे पलट आता है शम्स, एक उंगली के इशारे पे पलट आता है शम्स, मोजज़ों के सामने विज्ञान की औकात क्या। एक उंगली के इशारे पे पलट आता है शम्स, मोजज़ों के सामने विज्ञान की औकात क्या। और शेर सुनिए कि उनको भटकाता है जो वहमो गुमा के हैं शिकार, उनको भटकाता है जो वहमो गुमा के हैं शिकार, हो यकीन महकम तो फिर शैतान की औकात क्या, हो यकीन महकम तो फिर शैतान की औकात क्या। मसला जब दिल कहो तो जान की औकात क्या। आइए मेरे दोस्तों बिला किसी ताखीर के, जिनके चेहरे पे पाकीज़गी का नूर है, सूफ़िये बासफ़ा हैं, अल्लाह बिज़िक्रिल्लाहि तत्मईनुल क़ुलूब, अल्लाह वालों की मजलिस अल्लाह वालों की शक्ल अल्लाह की याद दिलाती है और सच्ची बात कुर्बते इलाही का ज़रिया भी है। आइए उस शख्सियत को मैं दावत दूँ सिर्फ उनके तारुफ के तौर पर, चूँकि इतनी बड़ी शख्सियत के बावजूद वो अपने आप को छुपाए फिरते हैं, मख्फी लोगों में बहुत बड़े राज मजमर हुआ करते हैं। मैं उनको मुनव्वर राना के इन मिसरों से उनका इस्तकबाल के दयारे गैर का कोई भी हंगामा नहीं लिखा, दयारे गैर का कोई भी हंगामा नहीं लिखा, सफर काफी किए लेकिन सफरनामा नहीं लिखा, और मेरे अजदाद कायल ही नहीं थे खुद परस्ती के कि आलिम हो के भी खुद को अल्लामा नहीं लिखा, कि आलिम हो के भी खुद को अल्लामा नहीं लिखा। और शेर आखिर यूं है कि यकीन रखता हूं मैं अपने हुनर पर, इसलिए शायद हमेशा नाम ही लिखा नसबनामा नहीं लिखा। इन मिसरों के अहवालो कवाइफ के मालिक हैं जनाबे हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब कासमी, हजरत वाला तशरीफ भी ला चुके हैं बिना किसी ताखीर के, आप सबके मुंतजर निगाहों को इंशाल्लाह तस्कीन बख्शेंगे। Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا
إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم आने से मोहम्मद के इंसान में कमाल आया हलचल सी मची हर सो बातिल पे जवाल आया अल्लाह के वो पैगंबर अल्लाह के वो पैगंबर अल्लाह के वो रहबर हर जुल्म सहे हंस कर अल्लाह के वो रहबर हर जुल्म सहे हंस के चेहरे पे शिकन आई ना उनको जलाल आया अहकाम खुदावंदी अल्लाह की रजा मंदी अहकाम खुदावंदी अल्लाह की रजा मंदी साथ अब साथ अपने लिए कुरान वो हुस्न जमाल आया जब प्यारे नबी अपने अल्लाह के करीब पहुँचे उस वक्त भी आका को उम्मत का ख्याल आया जलसा निकल चुका है बड़े हौसले के साथ आपका जलसा हो रहा है आप मेज़बान थे और मेहमान को आपने बड़े खुलूस से बुलाया था आपने सुन करके हौसला दे करके मेहमान का दिल खुश कर दिया मेज़बानी का हक अदा कर दिया जलसे को दुआ तक इसके बाद दिल खैराबादी साहब को सुनने के बाद जलसे को मुकम्मल करा करके आप लोग उठेंगे हाथ उठाइए इंशाल्लाह अभी मारूफ राय साहब कह रहे थे कि दिल खैराबादी को भूल जाइएगा जब इनको सुनेंगे लेकिन मेरा मानना है कि मैं नकल हूँ वो असल है असल असल कहाँ नकल नकल कहाँ भाई कहाँ मैं और कहाँ वो खैर मेरा ये हुस्ने जन है मेरी ये अकीदत है जिसकी बुनियाद पर मैं कह रहा हूँ तीन सवालों से मैं पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ रोज नारा लगेंगे अमल कल करेंगे हाथ लगे इंशाल्लाह नहीं आज ही नारा लगाएंगे और हंसने शुरू करेंगे नारे तकबीर नारे तकबीर अरे भाई दरगाह बस्ती वालों अगर आप नारा भूल गए तो उस मुस्कान बहन को याद कर लो कैसे नारा लगाई अब उसी तरह आप भी लगाओ नारे तकबीर नौजवान दरगाह बस्ती जनाबे दिल खैराबादी मुफ्ती सादुल नजीब साहब उलमा देवबंद नारे तकबीर सवालों से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूं बिल्कुल आपको बाईपास ले जा रहा हूं तेजी के साथ आपका जलसा निकल जाएगा मोहब्बत से सुन रहे हमें भी पता नहीं चलेगा आपको भी पता नहीं चलेगा तीन सवाल से पैगाम शुरू हो रहा है दूसरा गुनाह कर रहा है उसको टोकना कब फर्ज है कब फर्ज नहीं है ये मेरा पहला सवाल है हम बात आपसे कर रहे हैं इसमें असर होता है असर नहीं होता असर क्यों नहीं होता ये मेरा दूसरा सवाल है तीसरा सवाल है हम खुद अमल नहीं करते हैं दूसरे को नसीहत करते हैं नसीहत करना जायज है कि नहीं है ये आखिरी सवाल है मुकम्मल सुनेंगे समझेंगे कल हाथ लाइए इंशाल्लाह फिर भी फंस गए जरा ध्यान रखिएगा आपके दिमाग को टटोला जा रहा है कि आप लोग यहां हैं या दरगाह में दफन हो गए तीन सवाल हमारे हैं पैगाम शुरू हो रहा है मेरा पहला सवाल था कि दूसरा गुनाह कर रहा है उसको टोकना उसको रोकना कब फर्ज होता है जब वो दूसरा कबूल करेगा और तकलीफ नहीं पहुंचाएगा तो दूसरे को गुनाह पर टोकना फर्ज ऐन है अगर आप नहीं टोकेंगे आंख बंद करके गुजर जाएंगे तो वो तो गुनहगार है ही उससे बड़े आप गुनहगार होंगे दूसरा सवाल था कि हम आपसे बात कर रहे हैं आप सुन रहे हैं हमारी बात का असर क्यों नहीं होता तीन वजह से असर नहीं होता हम जिस नीयत से बात कर रहे हैं वो नीयत ही ठीक नहीं है हम अपने को दीनदार समझ रहे हैं आपको बददीन समझ रहे हैं इसलिए असर नहीं हो रहा है
और जिस तरीके से हम आपसे बात कर रहे हैं वो तरीका ही गलत है। हम आपको ताना मार रहे हैं, आपको नरमी से समझा नहीं रहे, हौसला नहीं दे रहे हैं, इसलिए हमारी बात का असर नहीं है। जो बात हम आपसे कर रहे हैं वो बात ही गलत है, सही बात नहीं है, इसलिए बात का असर नहीं हो रहा। आखिरी सवाल आपसे था कि आदमी खुद अमल ना करे, दूसरे को नसीहत करे, ये नसीहत करना जायज़ है? तो लिखा है कि दावा करना तो जायज़ नहीं है, जो काम हमने किया नहीं उसका दावा कर रहे हैं ये तो गुनाह है, लेकिन अगर हम खुद अमल करते नहीं दूसरे को नसीहत करते हैं तो ये जायज़ है, क्योंकि दूसरे को हम नसीहत कर रहे हैं अल्लाह ताला हमको इसकी बरकत से तौफीक दे देगा। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी, तमन्ना है कि इस दुनिया में मैं कुछ काम कर जाऊं, तमन्ना है कि इस दुनिया में मैं कुछ काम कर जाऊं, अगर कुछ हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाऊं, किया फिर दोसिए किया फिर दोसिए मरहूम ने ईरान को जिंदा, खुदा तौफीक दे तो मैं करूं ईमान को जिंदा, खुदा तौफीक दे तो मैं करूं ईमान को जिंदा। ध्यान दीजिएगा, गर्दन बचाएंगे, उंगली कटा करके शहादत में नाम लिखाएंगे, हाथ भाई इंशाल्लाह। ये देखिए अभी हाथ उठा रहे हैं, आप लोग को सीधे रांची भेजेंगे, अगर बेदार नहीं रहे तो सीधे रांची आप लोग जाएंगे। माँ बहने थोड़ी तादाद में है, उनके हवाले से पैगाम शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। मुस्कान को सामने रखिए, उस जवां मर्द हौसला मंद बेटी को सामने रखिए, मैं पैगाम आपको दे रहा हूँ। ये मेरा खाता है, बिस्मिल्लाह है, इसको जितना अच्छा आप सुनेंगे पूरा हिंदुस्तान उसी तरह सुनेगा इंशाल्लाह। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बैठ करके घर में रहेंगे, बाहर बेटी कमाएगी, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ये जरा ध्यान रखिएगा, बड़ा प्यारा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, बड़े अच्छे माहौल में लेकर के आ रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। निकाह कितना आसान है, निकाह कितना मुश्किल है, ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। औरतों के हवाले से सिर्फ दो पैगाम देने के लिए जा रहा हूं, मुश्किल से 5 से 7 मिनट गुजर जाएगा। मैं आपको मुबारकबादी देता हूं कि 12 बज जाने के बाद भी आपका 12 नहीं बजा है, हौसले के साथ आप बैठे हैं, अल्लाह आपको कबूल फरमाए, दीन दुनिया दोनों की भलाई से अल्लाह आपको मलामाल फरमाए। शैतान दो एतबार से कुंवारे आदमी को बहकाता है, कुंवारे से कहता है कि शादी मत करो, काम चल रहा है, शादी मत करो, शादी के बगैर कुंवारा रहो, नफ्स को कुचल करके दिखाओ, शैतान का धोखा। पार्टनर बना लो किसी लड़की को, निकाह मत करो, गर्लफ्रेंड बना लो किसी लड़की को, निकाह मत करो, ये शैतान का धोखा है। वो कहता है कि जिना मत करो, और एक जगह लड़की को भी जमा कर दिया है, लड़का को भी जमा कर दिया है। बताइए पेट्रोल और आग एक जगह जमा है, वहां आग लगेगी कि नहीं लगेगी? और शैतान कह रहा है कि जिना मत करो, ये करके दिखाओ, ये बहुत मुश्किल काम है, ये शैतान का धोखा है। निकाह कितना आसान है बता रहा हूं, निकाह के लिए मस्जिद में जाना भी शर्त नहीं है, निकाह के लिए खुतबा पढ़ना भी वाजिब नहीं है, निकाह के लिए काजी को तलाश करना भी वाजिब नहीं है। निकाह इतना आसान है कि दो आदमी की मौजूदगी में लड़का कहता है कि मैंने तुमको बीवी बना लिया, लड़की कहती है कि मैं तुम्हारी बीवी बन गई, निकाह हो गया, निकाह इतना आसान है। सहाबी रसूल मजलिस में है, अल्लाह के रसूल ने पूछा ये पीला रंग तुम्हारे कपड़े पर देख रहा हूं, कहा कि हुजूर निकाह किया है, सवाल पूछा है लेकिन ताना नहीं मारा, शिकायत नहीं किया, तुमने अकेले अकेले शादी कर लिया, इतना आसान निकाह था। तीसरी बात को जरा गौर से सुनिएगा, सहाबी की मजलिस है, अल्लाह के रसूल से पूछा जा रहा है या रसूल अल्लाह आप निकाह करने के लिए कहते हो, निकाह कर लूंगा सवाब मिलेगा? तो कहा सवाब मिलेगा। कहा निकाह पर सवाब क्यों मिलेगा? बल्कि मस्ती कर रहा है मर्द औरत से, औरत मस्ती कर रही है मर्द से, तो सवाब क्यों मिलेगा? कहा अगर ये गुनाह करते तो, अगर ये जिना करते तो गुनाह होता कि नहीं होता? तो जब निकाह किया है तो सवाब क्यों नहीं मिलेगा? आज जिना क्यों हो रहा है? लड़का की शादी लेट से हो रही है, लड़की की शादी लेट से हो रही है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, इंशाल्लाह दिल की भी हिफाजत करेंगे, आंख की भी हिफाजत करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह, बिल्कुल सही जा रहा है, घबराने की बात नहीं, बहुत सारे लोग डर गए, गलत जाएगा, बिल्कुल सही जा रहा है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ। खानकाह में मुरीद आया, लड़की खाना लेकर के आ रही है, आंख लड़ाने लगा, तो लड़की शिकायत करती है शेख से, किस आवारा के पास मुझको खाना लेकर के भेजते हो, ये तो आंख लड़ा रहा, अच्छा इसका इलाज कर देते हैं।
दस्त की दवाई लड़की को खिलाया, दस्त आने लगा तो कहा इसको कटोरे में बंद रखो, प्लेट में तश्त में इसको रखो, हिफाजत से रखो। जब लड़की हूर जो इतनी खूबसूरत थी दस्त आने के बाद बिल्कुल चुड़ैल हो गई, बदसूरत हो गई, अब कहा कि जाओ खाना लेकर के देखते हैं कि आंख लड़ाता है कि नहीं लड़ाता। अब मुराकबे में चला गया, सर उठा ही नहीं रहा। शेख ने कहा कि ओ जवान, वही लड़की है जो कल तुम्हारे पास खाना लेकर के आती थी, कल तुम आंख लड़ाते थे, आज क्यों आंख नहीं लड़ाते हो? क्या कम हुआ है? 20 किलो पखाना कम हुआ है? तुम्हें इस लड़की से मोहब्बत नहीं थी बल्कि पखाने से मोहब्बत थी। शेख ने फिर तश्त दिखलाया उसे जो भरा था खादिमा के दस्त से, और कहा के देख तालिब इसे सिर्फ ये निकला है उसके जिस्म से, बस तेरा माशूक ये पाखाना था, तू इसी का बस दीवाना था। उसने जब मुस्हिल से फीका पड़ गया, इश्क का बाजार ठंडा पड़ गया। इंशाल्लाह मोबाइल फेसबुक की पसंद की हुई लड़की से शादी करेगा, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। खैर दो चार मजनू फिर भी हाथ उठा रहे। अच्छा इस मजमे में देखिए बूढ़े ने भी हाथ उठाया, उनको कौन सा निकाह करना है जरा ध्यान रखिएगा। दूसरा बड़ा प्यारा मुताला आपकी खिदमत पे लेकर के आ रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। औरतों के हवाले से पैगाम को मुकम्मल कर रहा हूं। 70-80% हरामी बच्चा यूरोप में पैदा होता है, 70-80% हरामी बच्चा जिसकी मां तो होती है बाप नहीं होता। यह हरामी बच्चा कहां पैदा होता है? यूरोप में पैदा होता है, अमेरिका में पैदा होता है। जबरदस्ती औरत से जीना सबसे ज्यादा किस मुल्क में किया जाता है? यूरोप में किया जाता है, अमेरिका में किया जाता है। आज के जवान से पूछिए, आंख बंद करके चलो, निगाह नीची करके चलो, तो हमारा जवान क्या कहता है कि आंख बंद करके चलना बहुत मुश्किल है। अरे अल्लाह के बंदे, चारों तरफ से हमला होता है, एक तरफ से हमला नहीं होता शैतान का, पता है? चारों तरफ से हमला होता है, एक तरफ से नहीं होता। शैतान चार तरफ से हमला करता, एक तरफ से नहीं करता। जिस तरफ से हमला नहीं करता वो नीचे है, तुम निगाह नीचे करो, शैतान के हमले से बच जाओगे। दूसरी बात को याद रखो जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। औरतों से कहा कि मौलवियों ने औरतों को घर में कैद कर दिया, मौलवियों ने औरत को घर में कैद नहीं किया बल्कि रानी बना दिया। उसके भाई से कहा कि तुम इसके नौकर हो, कमा करके ला करके दो। बाप से कहा कि तुम इसके नौकर हो, कमा करके ला करके दो। औरत को रानी बना करके रखा, नौकरानी नहीं बनाया। लेकिन यूरोप ने 16वीं सदी में कहा कि औरत घर के अंदर रहेगी तरक्की नहीं करेगी, घर के बाहर जाएगी तरक्की करेगी। मकसद क्या था? दो मकसद था। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूं, मुस्कान से सबक लीजिए। आज के बाद कोई भी बेटी पैदा होगी हमारे यहां, उसका नाम मुस्कान होगा। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, बड़ा प्यारा मुताला आपकी खिदमत पे लेकर के आ रहा हूं। 16वीं सदी में औरत सड़क पर आ गई, हमको बुरका नहीं चाहिए, हमको ओढ़नी नहीं चाहिए, हमको दुपट्टा नहीं चाहिए। ऐलान हुआ औरत को खुश करने के लिए, सरकार ने प्लान बनाया कि बुरका नहीं होगा, दुपट्टा नहीं होगा। उसके बाद औरत ने कहा कि हमको आधा आधा हिस्सा मिलना चाहिए। औरत को खुश करने के लिए हुकूमत ने आधा हिस्सा दे दिया। उसके बाद ऐलान हुआ औरत का कि बेटा भी हमारा होना चाहिए, बेटी भी हमारी होनी चाहिए। औरत को खुश करने के लिए ये भी प्लान हो गया। उसके बाद कहा कि हमको आज़ादी मिलनी चाहिए कि हम रात में कहीं जाएं, हमारा शौहर हमको टोकने वाला ना हो। आज उस यूरोप में बीवी नहीं मिलती, उस यूरोप में शौहर नहीं मिलता, आवारा और बदकार औरत को मिलती है लेकिन शौहर और बीवी नहीं मिलती। वही दौर हिंदुस्तान में लाने की कोशिश की जा रही है। 16वीं सदी में औरत को दो मकसद से बाहर निकाला गया। पहला मकसद यह था कि मर्द कमाता है औरत के लिए, मर्द को कमाना ना पड़े, औरत खुद कमाए, इसलिए औरत को बाहर निकाला। दूसरा मकसद यह था कि जब तक औरत घर में होगी जिना करने का मौका नहीं मिलेगा, औरत से मतलब निकालने का मौका नहीं मिलेगा। जब तक औरत कमाने के बहाने से बाहर नहीं निकलेगी जिना का मौका नहीं मिलेगा। जिना कराने के लिए औरत को बाहर निकाला गया।
आज कोई समझे या ना समझे, मुस्कान ने समझा और पूरे हिंदुस्तान को समझाने की कोशिश किया है। इंशाल्लाह उस जवान औरत के पैगाम को हम सुनेंगे भी, समझेंगे भी और घर में अपनी औरत को रानी बनाएंगे, खुद उसके लिए नौकर बनकर के कमा कर ला करके देंगे, ताकि हमारी इज्जत भी महफूज हो, हमारा ईमान भी महफूज हो। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। इलाही माँ बहनों बेटियों को दीनदारी दे, इलाही माँ बहनों बेटियों को दीनदारी दे, इलाही इस नई नई पौध को फसले बहारी दे, बचा ले मोमिना को खुदा मगरिब परस्ती से, बचा ले मोमिना को खुदा मगरिब परस्ती से, बचा इस शम्मा को नूरे फना की चीरदस्ती से। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएं कि आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, खुदा हाफिज़।